जय साहिब की दोस्तों, जय गुरु महाराज की। सबसे पहले मेरे चाहने वालों को बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद कि आपने मेरे चैनल को इतना सपोर्ट किया कि आज 2500 सब्सक्राइबर्स पार कर चुका है। ये गुरु महाराज की कृपा, भाई अनिल जी चोटिया जिन्होंने मेरे लिए गुरु महाराज के आदेशानुसार और अपने दिल से काम किया है, मैं आप लोगों को, भाई अनिल जी को, भाई नवरतन जी को कभी भूल नहीं सकता, क्योंकि मैं तो एक बुझा हुआ चिराग था। गुरु महाराज ने मुझे जगाया, गुरु महाराज ने मुझे जगाया, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, और इशारा किया। जब वो किसी को इशारा करते हैं तो उस आदमी को पता नहीं चलता है वो आदमी है भाई अनिल जी चोटिया, भाई नवरतन पारिक। लाख लाख शुक्रगुजार हो इनका। मैं तो इसके बारे में दोस्तों कुछ जानता भी नहीं हूं, क्या YouTube होता है, कैसे शेयर किया जाता है, ये सब भाई अनिल जी और नवरतन जी ये मेहनत कर रहे हैं, गुरु महाराज की कृपा है। और दोस्तों कुछ लोग फ्लोट चैनल जो है उनको मैं दो दफे पहले भी कह चुका हूं और अब भी कहता हूं, भाई मुझे बख्श दो, मैं गरीब आदमी हूं पर मैंने आज तक किसी का कुछ खाया नहीं है और हराम का माल कभी भी फलता नहीं है, ये मेरी बात आप लिख लेना स्टाम्प पे। आपको कुछ करना है, आपको चैनल बनाना है तो कलाकार राजस्थान में इतने हैं कि पूछो मत, आप गुवाइए ना आप सबसे और अपना चैनल खोलिए, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है। राजकुमार स्वामी से भी गुवाइए, वो भी गाएगा। अनलीगल काम मत करो, आपसे हाथ जोड़ के मैं तीसरी बार मैं विनती कर रहा हूं, किसी को कॉपीराइट आ गया वो गलत काम हो जाएगा, आपका चैनल खराब हो जाएगा। मेरे चैनल का नाम गुरु महाराज की कृपा से और भाई जी अनिल जी चोटिया जी और भाई नवरतन पारिक इनके सहयोग से मेरे चैनल का नाम है राजकुमार स्वामी RKS चैनल। इसको आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो मेरे जो भी भजन नए हैं, कुछ लोग ये कहते हैं साहब पुराने वाले भजन चढ़ाओ, अपने को पीछे नहीं जाना है, मैं आपको बता दूं अपने को आगे जाना है, इतना आगे जाना है, गुरु महाराज की कृपा है, आप लोगों का सहयोग है। एक बार फिर से इस राजस्थान में नहीं भारत में मेरे गुरु महाराज ने कहा है और भाई साहब अनिल जी चोटिया और इनका सहयोग है नवरतन जी पारिक का, एक बार पूरे वर्ल्ड में डंका बजाना है भजनों का। और आने वाले जो मेरे प्रोग्राम है, एक होली गीत मैं आपको अब की बार मारवाड़ी होली गीत दे रहा हूं, क्योंकि होली है, बुरा मत मानना, ये होली है, होली में सभी को मस्ती लेनी चाहिए और सभी मस्ती लो, नाचो झूमो गाओ। और मेरे चैनल का थोड़ा ध्यान रखिए आप, वैसे तो 2500 सब्सक्राइबर्स बहुत होते हैं, बाकी जितनी मेरी उम्मीद थी उतना कुछ हो नहीं पा रहा है, पता नहीं मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं शेयर या आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग। आप लोगों को मैं नई नई चीजें दूंगा और एक आप बात कहोगे कि ये सांगलिया के भजन आप बार बार गाते हैं, ये चढ़ाते हैं, तो देखो जितनी बार एक भजन किसी दूसरे देवता का आएगा तो एक गुरु महाराज का जरूर आएगा। इस बुझे हुए दिए को जलाने वाले सांगलपति जी महाराज है, नहीं आज आपके सामने राजकुमार स्वामी नहीं होता, ये आपको मैं सही बात बता रहा हूं। राजकुमार स्वामी मिट चुका था, पता नहीं कारण क्या था, कोई दुश्मन भी हो सकता है, मैं नहीं जानता, किसी ने क्या मेरे साथ किया ये मैं नहीं जानता, मेरा काम धंधा मेरा मन ऐसा हो गया था कि भाई अब तो इस दुनिया से जाना ही ठीक है, तो मेरे को जगाया, मेरे को हौसला दिया गुरु महाराज उषादास जी महाराज, सदगुरु स्वामी बंसीदास जी महाराज
और मेरे सतगुरु स्वामी श्री ओमदास जी महाराज ने ये देख लो मुझे नई जिंदगी दी है, इसलिए मैं एक भजन के साथ एक सांगलिया धुड़ी का भजन डालूंगा। और दोस्तों इन भजनों में बाबा किवानदास जी के भजनों में जो भी बातें हैं एकदम शत प्रतिशत सत्य बातें हैं, एक भी शब्द झूठा नहीं है। जैसे जैसे उन्होंने कहा था वैसे वैसे संसार में हो रहा है और वो ही होगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, प्यार बनाए रखें। आज हम आपको दे रहे हैं सांगलपति जी महाराज किवानदास जी बाबा जी का एक भजन, और उसके तीन चार दिन या दो दिन बाद में हम आपको एक होली का नया गीत देंगे। तो इस चैनल को, राजकुमार स्वामी आरकेएस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय साहिब की।